सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलेट थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री विधियां TLM एवं अभिवृत्तियां, यानी कि ऐसे बच्चे जो मुख्य रूप से जो विकलांग हैं, जो अपना कार्य सही से करने में अक्षम होते हैं या सही से उन्हें सामान्य बच्चों की तरह हम नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करके उनको हम पढ़ाएंगे, किस प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके उनको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, या कौन कौन सी ऐसी विधियां अपनाएंगे जिससे उन बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, दृष्टि बाधित छात्रों के लिए परीक्षा विधियां। तो इन छात्रों के लिए यहाँ पर देखिए, छात्रों के लिए परीक्षाएं लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक हो सकती हैं। आपको पता है जो परीक्षा होती है वो लिखित भी होती है, हमारा वाइवा भी होता है यानी कि मौखिक भी होता है, और हमारा प्रायोगिक परीक्षा भी होती है यानी कि प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो ब्रेन लिपि के माध्यम से परीक्षा देने में दृष्टिबाधित छात्र शीघ्र ही थकावट का अनुभव करने लगते हैं। एक पेपर लिखने में उन्हें अधिक समय लगता है, जिससे वह निर्धारित समय में संतोषजनक ढंग से पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाता। दृष्टिबाधित बच्चों की सुविधा अनुसार उनकी परीक्षा के निम्न प्रारूप हो सकते हैं: ब्रेल में प्रश्न पत्र, ब्रेल में उत्तर, प्रिंट में प्रश्न पत्र, लेखक की सहायता से उत्तर। ये दोस्तों, ऐसे बच्चे जो लिखने जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे अपने साथ एक लिखने के लिए एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं और वो उनके जगह पर बैठता है और ये बच्चे जो भी आंसर बोलते हैं वो वही लिखता है लेखक। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चे अपनी परीक्षा को पास करते हैं। रिकॉर्डेड प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड करके उसका उत्तर देना, यानी कि बच्चे अपना रिकॉर्ड करके उत्तर देते हैं। मौखिक प्रश्न पत्र और उसका बच्चे मौखिक रूप से उत्तर तो दे ही पाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता बोल तो सकते हैं वो। तो दृष्टिबाधित छात्रों का मूल्यांकन करते समय कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ब्रेल लेखन करते समय भी पेन मिस्टेक संभव है, अर्थात छात्र द्वारा ब्रेल लिखते समय कुछ बिंदु डालना छूट सकता है अथवा कोई अतिरिक्त बिंदु पड़ सकता है। ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा अगर देख नहीं सकता है किसी तरीके से उसने लिखा है तो उसकी हर एक कमी को गिनाना नहीं है। ब्रेल लिखते समय कागज में छेद हो सकता है, यदि ऐसा ना हो तो जिस प्रकार स्वच्छ एवं सुंदर प्रिंट लिखावट के अतिरिक्त अंक हो सकते हैं वैसे ही मूल्यांकन किया जा सकता है। यदि छात्र संक्षेप में उत्तर दे रहा है तो भी पूरे अंक देना चाहिए, जैसे भारत की 3 प्रमुख नदियों के नाम बताओ। इस प्रश्न का उत्तर भारत को 3 इस तरीके से, यहाँ पर 3 जगह पर अगर बच्चे ने केवल 2 ही जगह लिखा है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर 3 होने चाहिए। अगर उसने 2 ही लिखा है तो भी उसको अंक आपको देने चाहिए, यहाँ पर ये चीज कर रहा, और पूरे के पूरे अंक देना चाहिए। चित्र वाले प्रश्नों का विवरण वाले प्रश्नों में बदलना चाहिए, जैसे मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी जगह ये पूछना चाहिए कि पाचन के विभिन्न अंगों की सूची बनाइए तथा उनके कार्यों को बताइए, इस तरीके से। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं, उपयुक्त अनुसार फेर बदल कर सकते हैं, अन्यथा मानचित्र में स्थान आदि दर्शाने में अत्यधिक सटीकता की आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसे उत्तर की प्रत्याशा में पूर्व अभ्यास वांछनीय है। इसके बाद देखिए 6वां पॉइंट है, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी एक त्रिविमीय संरचना यानी कि 3D है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ये तीनों चीजें होती हैं जिस चीज में, उसे हम 3D संरचना वाला कहते हैं। तो गोलाकार पृथ्वी को द्विविमीय कागज पर उतारते समय थोड़ी विकृति आ जाती है, जैसे ऐसे में मानचित्र पर विभिन्न प्रत्यय दिखाने के लिए आकार को बढ़ाना पड़ सकता है। एक दृष्टिबाधित छात्र को मानचित्र देखने के साथ ही उसे बनाना भी बताया जाना चाहिए, इसके लिए कला बनाने यानी कि ड्रॉइंग का अभ्यास करवाना चाहिए तथा उन्हें स्वयं क्रियाएं करके देना चाहिए। इस कार्य में व्हील, स्टिकर्स, ब्रेल, डॉट्स, क्रेयॉन, चौक, गत्ता, कागज, रबड़ बैंड, विभिन्न डाले आदि हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऐसे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। अब देखिए, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर विशेष विधियों का प्रयोग करके कैसे हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। देखिए, अंधे बालक की शिक्षा के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक सामान्य बालक है। ठीक है, अधिकतर मामलों में उसका बढ़ता हुआ ज्ञान, बुद्धि, संवेग तथा इच्छाएं अन्य बालकों की तरह है।
एक सामान्य बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान अंधे बालक के मनोविज्ञान को समझने में सहायक हो सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टि दोष प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होता है। यदि बालक में थोड़ी दृष्टि है और अध्यापक उसे अंधा समझता है तो इसका बालक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में दृष्टि एक्यूरेटी सदा दृष्टि क्षमता को नहीं बताती। अक्सर कम दृष्टि वाले बालक अपनी दृष्टि का अच्छा उपयोग करते हैं। घर के वातावरण, सीखने की तत्परता, सीखने की क्षमता का इस पर प्रभाव पड़ता है। एक अंधे बालक की शिक्षा के लिए आवश्यक है विशेष सामान तथा माध्यम, पढ़ाने के लिए विशेष सिद्धांतों का प्रयोग। तो देखिए, विशेष सामान तथा माध्यम ये क्या है? तो अंधे बालक अपनी इन इंद्रियों पर अधिक निर्भर रहते हैं, अपने अन्य इंद्रियों पर अधिक। यानी कि जो बच्चे सही से देख नहीं पाते वो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, अच्छे से महसूस कर पाते हैं, इसीलिए वो अच्छे से 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट अच्छे से पहचान लेते हैं वो छू करके। तो उनकी जो स्पर्श इंद्रियां होती हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अंधे बालक अपनी अन्य इंद्रियों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। चूंकि हमारी शैक्षिक पद्धति पढ़ाने और लिखाने पर आधारित है, आंखों का महत्व अत्यधिक है। अतः अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि जो विधि है, इसमें कागज पर बिंदु जो कि उभरे हुए होते हैं बने होते हैं, इन्हें हाथ से छूकर पढ़ा जाता है। किताबें ब्रेल ग्रेड 1, ब्रेल ग्रेड 2, ब्रेल ग्रेड 2 इस प्रकार से प्रबंधित की जाती हैं। सर्वप्रथम ग्रेड 1 फिर ग्रेड 2 की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इस विधि से पढ़ना अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है। बोलने की किताबें यानी कि टॉकिंग बुक्स, जो वास्तव में लॉन्ग प्लेइंग फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं, का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आदि द्वारा समाचार प्रदान करने चाहिए। चित्रों प्रतिमानों का अंधे बालकों के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि वे इन्हें देख ही नहीं सकते। बोलने वाली किताबों द्वारा इन्हें चित्रों का परिचय दिया जाता है। ब्रेल में बालक पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। अंधे बालक ब्रेल मशीन से लिखना सीखते हैं। इसके अभाव में ये स्टाइल्स तथा स्लेट भी लिखना सीख जाते हैं। गणित पढ़ाते समय मानसिक संख्या कार्ड यानी कि मेंटल नंबर वर्क पर जोर दिया जाता है। बालकों को बीजगणित स्लेट भी सिखाया जाता है। रेखा गणित में एम्बोस्ड डायग्रामों का प्रयोग होता है। भूगोल पढ़ाने के लिए मानचित्र या ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक यात्राएं भी कराई जाती हैं। म्यूजियम में भी इनको ले जाया जाता है। अंधे बालकों को सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। कुछ विषयों के लिए विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि विज्ञान में चूंकि बच्चे जो प्रयोग कराई जाती चीजें वो नहीं देख पाते हैं। तो अंधे बालक अपनी अक्षमता के कारण अनेक रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। आर्ट का मूल्य केवल उनके लिए है जिनके पास थोड़ी सी दृष्टि है। अतः अंधे बालकों को आर्ट के स्थान पर मॉडलिंग कराई जाती है। बहुत से अंधे बालक इस कार्य में उत्साह दिखाते हैं। नाटक का कार्य भी कराया जा सकता है। इससे बालकों में बोलने, खड़े होने, बातचीत करने की अच्छी आदतें पड़ सकती हैं। इससे सामाजिक समायोजन बढ़ता है और इन बालकों में देखिए आत्मविश्वास भी आता है। बालकों को संगीत का ज्ञान भी दिया जा सकता है। प्रायः अंधे बालक सभी प्रकार के बाजों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे आप देखिए बहुत अच्छे से हारमोनियम प्ले कर लेते हैं या बहुत सारी चीजें वो अच्छे से बजा, खासकर ऐसे बच्चे आप देखोगे संगीत पेशे में बहुत होते हैं जो बहुत अच्छा सुरीला गाते हैं भले ही उनके पास आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, बाजों का बजाना सीखने के लिए बालकों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अंधे बालक को ब्रेल सीखने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है, साथ ही उसे बाजा बजाना सीखने के लिए भी दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः उसे स्मृति का भरोसा करना पड़ता है। तो संगीत अंधे बालकों के लिए सबसे सुविधाजनक रचनात्मक कार्य है। यह एक संभाव्य व्यवसाय भी है। अंधेपन के कारण शारीरिक कार्य कम हो सकते हैं। अंधे बालकों को शारीरिक शिक्षा में तैरना, नाव खेलना, कुश्ती लड़ना आदि सिखाए जा सकते हैं। नाना प्रकार के हस्तकार्य भी इन्हें सिखाए जा सकते हैं। इन हस्तकार्यों में सफल भी ये होते हैं। अंधी लड़कियों को गृह कार्य सिखाए जाते हैं। अंधे बालक सामान्य स्कूलों, विश्वविद्यालय तथा व्यावसायिक स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। अनेक पुस्तकें उन्हें जोर से पढ़कर सुनाई जानी चाहिए क्योंकि सभी पुस्तकें उन्हें ब्रेल विधि में नहीं प्रदान की जा सकती हैं। रिकॉर्ड प्लेयर आदि के द्वारा भी उनके विकास में सहायता की जा सकती है। अब देखिए, पढ़ाने के विशेष सिद्धांत, अध्यापक को निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ठोसता, अंधे बालक केवल स्पर्श और कान के द्वारा ही अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सुनना तो उनके लिए समाज के साथ सामंजस्य की तरफ विधि है, परंतु पदार्थों का वास्तविक ज्ञान वे स्पर्श द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ छूने में छोटे, बड़े, मुलायम, सख्त भी हो सकते हैं। बालक उनके रंग का ज्ञान नहीं कर सकते। अंधे बालकों को दिए गए निर्देशन में
उन्हें ठोस अनुभव प्रदान करने चाहिए, या तो उन्हें पदार्थ को छूने देना चाहिए या उन्हें प्रतिकृति या रिप्लिका देनी चाहिए जिससे वे पदार्थ के विशेष गुण देख सकें। अध्यापक को इस बात से परिचित होना चाहिए कि बालक को सीधे पदार्थ से संबंधित क्रिया सीधे पदार्थ से संबंधित किया जाए। मुंह से वर्णन उतना प्रभावकारी नहीं होता है जितना कि प्रतिकृति से यानी कि ठोसता बालक को अधिगम में सहायता देती है। यानी कि जहां तक हो सके बच्चों को स्पर्श करके उस वस्तु का उनको पहले स्पर्श के द्वारा उनको उसका ज्ञान कराया जाए, उसके बाद उसके बारे में बताया जाए, तो ऐसे बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। अब देखिए निर्देशन, अंधा बालक पदार्थ को छूकर उसके समस्त गुणों से अवगत नहीं हो सकता। वह अनेक प्रकार से वातावरण से संबंधित होकर सूचनाएं एकत्र करता है। सूंघ कर, सुन कर, चख कर यह वातावरण को समझने का प्रयत्न करता है, परंतु विशेष इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। अध्यापक को चाहिए कि सभी प्रकार के अनुभवों को वह संबंधित करके पढ़ाएं। इस संबंध में निर्देशन भी आवश्यक होता है। इसके बाद है सहायक उत्तेजना। आंख की अक्षमता के कारण बालक की योग्यता सीमित हो जाती है, बहुत से अनुभवों से बच्चे को वंचित रहना पड़ता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि विभिन्न विधियों द्वारा बालक के साथ उत्तेजना उपस्थित करें। दो मुख्य विधियां हैं, बालक को अनुभवों के पास ले जाना, जैसे शैक्षिक यात्रा करवाना, म्यूजियम ले जाकर वस्तुओं का वर्णन करना। दूसरा है अनुभवों को बालकों के निकट लाना, जैसे बड़े लोगों को भाषण देने के लिए बुलाना, रेडियो सुनवाना। इनकी सफलता कार्य विधि पर निर्भर करती है। उसे आसानी से चलने तथा छड़ी पकड़ने और उसकी सहायता से चलने की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह वातावरण को समझ सके। तो यहाँ पर बच्चे को किस तरीके से वह अपने वातावरण के साथ घुल मिल सकता है, इसके बारे में इस पॉइंट में बताया गया है कि किस तरीके से बच्चे को हम, अगर ऐसे बच्चों को हम म्यूजियम में लेकर के जा करके वस्तुओं का वर्णन कर सकते हैं, उन्हें शैक्षिक यात्रा करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को प्रेरित करने के लिए अपने आसपास के जो गणमान्य लोग हैं, आदर्श लोग हैं, उनको बुला करके उनके बीच वो भाषण दे जिससे उन बच्चों को प्रेरणा मिले, या उन्हीं के जैसे लोग जो आगे बढ़ चुके हैं अपने फील्ड में, ऐसे लोगों को स्कूल में ला करके उन बच्चों को प्रेरित किया जाए। तो ये सब चीजें, बच्चों को छड़ी पकड़ने में मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए, चलने में उनकी सहायता की जाए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखिए स्वयं कार्य करना, अंधे बालक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, वह स्वयं कार्य करने नहीं जाएगा बल्कि उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे स्वयं कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। स्वयं करके सीखने पर ही वह आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। वह उसे समायोजन में भी सहायता करता है। अंधे बालक में दिवा सपने सुनने, सुस्त बैठे रहने, दुखी रहने की आदत पड़ जाती है। उसे स्वयं कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसमें किसी भी प्रकार की बुरी आदतें ना पड़े। अब देखिए अंधे बालक के अध्यापक को किस प्रकार का होना चाहिए। चाहे अध्यापक ब्रेल कक्षा का हो या आवासीय विद्यालय का, उसमें दो बातें जरूर होनी चाहिए। उसे अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। तैयार होने से तात्पर्य पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, अंधे बालकों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए, अंधे बालकों को कैसे शिक्षित किया जाए इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए उस टीचर को, यानी कि उस टीचर को ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए। उसे बालक के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास को अवश्य समझना चाहिए। उनके वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। माता पिता की अभिवृत्ति को जानना चाहिए। अध्यापकों में सहयोगिता की भावना होनी चाहिए। उसे माता पिता से संबंध रखना चाहिए। उसे अंधे बालकों के संबंध में इन तीन बातों से परिचित होना चाहिए। बालक को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देना, उसमें आत्मविश्वास जागृत करना, उसमें यह भावना जागृत करना कि वह अन्य सामान्य बालकों के ही समान है, ठीक है। देखिए दृष्टि, अक्षम बालकों में कम देखने वाले वह अंधे बालक आते हैं जो सामान्यतः समाज पर बोझ माने जाते हैं, लेकिन ईश्वर प्रदत्त गुणों के आधार पर ये बालक कुछ जीवन में अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिभा के साथ बच्चे संसार में आते हैं और उनके ऊपर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अतः इन बालकों को अच्छी शिक्षा व प्रशिक्षण देकर किसी कार्य, नौकरियों या व्यवसाय में लगाना चाहिए ताकि वे समाज का बोझ बनने से बच सके। अब देखिए ऐसे बच्चों के जब अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके क्या दायित्व होते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो नेत्रहीन बच्चों का अधिकांश समय घर पर ही बीतता है, अतः इनके माता पिता को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है नेत्रहीन बालकों को परिवार के अन्य लोगों की दया का पात्र न बनाएं। इन्हें अपने दिन प्रतिदिन के कार्य स्वयं करने का प्रशिक्षण दें। परिवार की सभी गतिविधियों में इन्हें शामिल करें। किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेते समय इन्हें भी साथ रखें। समय समय पर इनकी शारीरिक जाँच, विशेषकर नेत्रों की जाँच करवाते रहें।
अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया के अवसर इनको प्रदान करें। घर से बाहर जाते समय इन्हें भी साथ ले जाएं। प्रायः यह देखा जाता है कि यदि परिवार के सभी लोग किसी मेले में, प्रदर्शनी में अथवा फिल्म देखने जा रहे हैं तो इन बालकों को साथ में नहीं ले जाते, क्योंकि ये कुछ देख नहीं सकते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ये देख नहीं सकते तो आवाज सुनकर ही कुछ आनंद उठा सकते हैं। इससे उनमें अकेलेपन की भावना भी जन्म नहीं लेने पाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें एक परिवार के लोगों को ध्यान देनी चाहिए। अब देखिए, शिक्षक की भूमिका किस तरीके की होती है, परिवार की भूमिका तो आपने देख ली। नेत्रहीन बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, उनकी परेशानियों तथा समस्याओं से शिक्षक को परिचित होना चाहिए। विभिन्न रुचियों वाला व्यक्ति हो ताकि वो उन बालकों में रुचियों का विकास कर सके। एक शिक्षक के अंदर ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। विभिन्न सहगामी क्रियाओं को आयोजित करने का अनुभव होना चाहिए शिक्षक के पास, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज भी वो शिक्षक करवाएं, जिससे बच्चे पढ़ाई में और आनंद ले पाएं। और शिक्षक का धैर्यवान, शिक्षक के अंदर ये पेशेंस वाला गुण तो वैसे भी होना ही चाहिए। ये क्वालिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक के अंदर, क्योंकि अगर ये क्वालिटी नहीं रहेगी तो बच्चे, आपको पता है कि कितना परेशान करते हैं, खासकर छोटे बच्चे। क्लास 1 से 5 के लिए ही आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे बच्चे कितना परेशान करते हैं स्कूल में, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ऐसे बच्चों को अच्छे से डील करने के लिए टीचर के अंदर जो पेशेंस का गुण है वो होना चाहिए। नेत्रहीन बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए शिक्षक का। शिक्षण के समय कुछ सिद्धांतों का पालन करके वह अपने शिक्षण को इन बालकों के लिए अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने नेत्रहीन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे, किस किस तरीके की सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, कैसे उन्हें हम आसानी से ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, इन बच्चों को किस तरीके से हम किस तरीके से इन बच्चों का एग्जाम होता है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप 8 के 8 विषयों के हाथों से लिख करके जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आपके थर्ड सेमेस्टर में, कहीं भी किसी भी प्रकार का आप पूछ सकते हैं। पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सारी क्लासेस को देखते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय।